शाम का 4 बज रहा है। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और मैंने बहुत दिनों के बाद, मैं जब से कानपुर में आई हूँ तब से मैंने ऐसे चीर निकाला, मेरे बालों की इस तरह से बैंड बज गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने स्पा भी कर लिया, मैंने हेयर ऑयलिंग भी कर ली, उसके बाद अच्छे से शैम्पू भी कर लिया, कंडीशनर शैम्पू सब कर लिया, लेकिन नीचे से जो फ्लूचड़े हैं ना, मेरी जो फ्लूचड़े होती हैं वो इतनी बेकार हो गई कि मेरे को बाल बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं हेयर वॉश करती हूँ सोचती हूँ कि चलो बाल खुले छोड़े हैं तो इधर उधर थोड़ा टहल लूँ और फिर चलो, तो उसके बाद जैसे ही बाल मक्खी जैसे बाल ड्राई होते हैं ना, तो इतना सारा बैंड और इतने सारे जले हुए बाल निकलते हैं, मतलब मेरे बालों की हालत ख़राब हो गई है। और जब से हमें पता है ना कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तब से दोपहर में तो मौसम ही ऐसा है दिल नहीं लगता, बट शाम के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार मतलब सब कुछ ऐसे लास्ट लास्ट है। जब हम अगली जगह मूव करेंगे तो वहाँ पे जाके ये वाला, जब जैसे मैं ब्लॉग देखूँगी कानपुर वाला, तो मेरे को लगेगा ना यार हाय कानपुर के ब्लॉग्स। इंसान जहाँ पे रहता है ना, जब वहाँ से वो छोड़ के जाता है ना, तो उस जगह को उसके बाद बहुत मिस करता है। ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब आप हताश हो जाते हो, उदास हो जाते हो, यार कब जाएंगे यहाँ से, सब लोग निकल गए, वो फलाना धमकाना, कब अच्छे से सेटल होंगे, कब ऐसा होगा कि हमारे पास अच्छा सा घर होगा, मीन्स दो रूम वो सब है ना, किचन सेपरेट से, कब सब सामान के साथ मैं अपने रहूँगी। लेकिन अब जब फाइनली वो सब चीज़ें हो रही होती है ना, फिर जब हो जाती है ना ये चीज़ें, बहुत मुश्किल से हमारी ज़िंदगी में ये दिन आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि जो मांगा वो मिल गया, बहुत लाइक स्ट्रगल के बाद ये वाला दिन आ रहा है कि हम लोग फाइनली जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर इस जगह की भी ना ऐसी मीठी मीठी सी याद। ये मैंने सुबह धुले थे, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, और अभी मैंने इनको उठाया है। साथ के साथ धुल दो जो आपका कपड़ा पड़ा होता है तो सही रहता है। शाम को इनका फ़ोन आया कि कुछ बनाना मत, वैसे भी सामान है नहीं बनाने का, आटा हमारा ख़त्म हो गया है ना, तो अब और सामान लाना भी नहीं है। बाकी चीज़ें मंडे को अपडेट मिलेगी कि कैसे क्या सब रहता है। ये हम लोग जैसे डिस्कशन करते हैं ना, मुझे बोलते हैं कि तू पैकिंग वैकिंग जो तेरे को लगता है करनी है वो कर जा, बाकी अगर तू जाना चाहती तो चले जा। मेरे को होता है यार इनको पता नहीं, ऐसे दिल जैसे नहीं करता इनको अकेले छोड़ के जाने का यहाँ पे। जैसे मैं तो फिर परिवार के साथ में होती हूँ, फिर ये अकेले हो जाते हैं। एनीवेज 4:15 हो गया यार, ये घड़ी हमारी उल्टी पुल्टी है, टाइम उल्टा पुल्टा बता रही है। अभी 4:03 हुआ है, ये 4:03 पे सोई है, 4:15 बता रही है। एनीवेज बनाई चाय, गर्म पानी का पतीला ऐसे भरा पड़ा ऊपर ही रहता है यार। आज गाड़ी भी साफ करनी थी मुझे, पर फिर अब मैं नहा ली हूँ तो अब गाड़ी साफ करने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। रील पे नाचने की कोशिश कर रही थी, गाना लगा था चंचनी किसने हसना तूने, आप लोगों के सामने मुझे शर्म आ जाती है यार। ऐसा लगता होता है ना कि मैं कैमरा से बात कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोग देख रहे हो, जो कमेंट्स आते हैं सब, जिसमें मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, मेरी इमेजिनेशन क्या होती है, ऐसा लगता है कि मैं अकेली कैमरा से बोल रही हूँ, मुझे लग रहा होता है कि नहीं आप सब लोग मुझे देख रहे हो। जैसे अभी देखो कैमरा है और मैं हूँ, पूरा रूम है, खाली रूम है, फिर भी मुझे शर्म आ रही है आप लोगों से। तो मेरी जो इमेजिनेशन है ना, आई थिंक सब ब्लॉगर्स की मेरी ऐसी होती होगी, बट मेरी जो इमेजिनेशन है वो ऐसी बन चुकी है कि शर्म आ रही है यार कितने सारे। हमारे पास जो सामान है ना वो ये सब है, नमक उतना सा है, दालें, ये बेसन तो मैं सुबह लेके आई थी, चावल इतने से हैं, तो ये बोल रहे कि अभी और डलवाना नहीं है, अगर जल्दी से निकल गए तो जो ये सब है ना डब्बे, इनको ऐसे ही भरे के भरा रहने देंगे। क्योंकि जब हम पहले चंडीगढ़ से शिफ्ट हुए थे ना इधर के लिए, तब मैंने मेरे डब्बों में जो सामान था ना, काफ़ी सारे सामान ले आई थी, तो वो सामान मेरा ख़राब नहीं हुआ था। बाकी जो तेल वेल है वो किसी को दे देंगे। फिर ये देखो ब्राउन राइस पूरे पड़े हैं, फिर इनको सामने रखते हैं, ब्राउन राइस बना लिया करूँगी, जैसे दोपहर में बना लिया कभी, है ना। और बाकी फालतू का कुछ और सामान लेना नहीं है, जैसे कोकोनट ऑयल, ये तो मुझे लगता है 2 साल मेरा ख़त्म ही नहीं होगा, इसको तो फिर मैं ना अपने साथ ले जाऊँगी, इतना महंगा लिया यार, इतना पैसे लगे हैं इसके ऊपर। और अच्छा है ये, इसे मुझे अच्छा लगता है, कितने रुपए का, 725 शायद, 700 रुपये तक का मिला था। तो ऐसे छोटे छोटे सामान हैं जिनको फिर मैं अपने साथ ले जाऊँगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने इतना सारा पानी क्यों रख दिया, पहले से इतना सारा पानी था तो थोड़े से निकाल दी, इतनी सारे कौन पिएगा। आज तो मामी भी नहीं आएगी, फिर मामी को दे दूँगी, इतनी सी पीऊँगी और 2 बार पीती हूँ मैं चाय, उसके बाद मुझे जाना है
मंदिर। पहले मैंने सोचा अभी चले जाती हूँ, बट अभी ना फिर 4 ही बजे था, मैं चलो 4:45 बजे तक जाती हूँ, गाड़ी से जाना है। गाड़ी से जाने से ही याद आया था गाड़ी साफ करने वाली पूरी मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है। भैया को फ़ोन किया जो साफ़ करते हैं, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। उनकी हो गई शादी, तो शादी के बाद बंदा बहुत बिजी हो जाता है। नई नई शादी पर तो फिर ज़्यादा होता है ना कि नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। मेरी शादी हुई थी तब हम सीधा इधर कोई आ गए थे। मेरे को बड़ा मन करता है मैं फिर से शादी में, और चीनी खत्म हो गई, मतलब इतनी सारी चीनी पत्ती इतनी लगती है ना हमारे घर में। आप लोग बताना अगर आपके ऐसे होता है। पर शुक्र है कि मैंने इस डब्बे में डाल के रखी होती है। फिर ये क्या और चीनी, मुझे तेज डाल के पीने का काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में चाहे 2 बार पियो, चाहे 3 बार पियो, चाहे 4 बार पियो, तेज चीनी हो तब दिल मेरा खुश हो जाता है। और मेरी जीभ पे ना ऐसे पानी आने लग पड़ता है कि मुझे चीनी चाहिए। कभी कभी तो रात को ना मेरे को चीनी खाने का इतना दिल करता है कि मैं कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ मीठा ना मिले तो मैं चीनी खा लेती हूँ। इस कदर मुझे ना, मतलब स्वीट टूथ है मेरा। मलाई देखो दूध पे कितनी अच्छी आई हुई, एकदम मस्त वाली। मेरी मम्मी का तो दिल ही खुश हो जाए मलाई देख के। मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं मलाई को ना चीनी डाल के खाऊं। इस बार ना मैं बिल्कुल डाइट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, सब कुछ नहीं। को इतनी भूख लगती है यार, पता नहीं सुबह उठते ही भूख लगी होती है, कुछ भी खाओ मीठा मीठा, और दोपहर में मुझे भूख लग जाती है। नहीं तो मेरी मलाई ना अपनी हाउस हेल्पर को दे देती थी खाने के लिए, उनको अच्छा लगता है, तो अभी वो नहीं है तो मैं कहा यार प्रियंका तू ही खा ले। ऐसे चीनी डाल के कौन कौन खाता है, चीनी के साथ फुलके के साथ बड़ी मलाई खाती थी मैं, बड़ी गुड़ डाल के शक्कर डाल के, ऐसे दिल खुश हो जाता था यार। चॉकलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं है। शाम का मौसम भी ना बड़ा मस्त होता है, और मेरे को ना ऐसे दरवाजे खुले छोड़, ऐसे दरवाजे खुला होता है ना तो आते जाते लोग दिखते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे बैठ के मस्त अपना काम करती हूँ, कोई ऐसे कपड़े तहने हैं तहने हैं, या फ़ोन चलाना है, ब्लॉग एडिट करना है, या कुछ खाना है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे बैठ के या नीचे बैठ के इसी तरह से यहाँ बैठी होती हूँ। तो मैं इस पल को ना जो लास्ट के मेरे जो ब्लॉग्स हैं, मेरा प्लान है कि मैं अंतरागमी तक यहाँ पे रुकूँ, लाइक 7-8 दिन थोड़ा, है ना। घर तो बोल रहे, वो तो मुझे आने के लिए मना कर रहे थे, मैंने कितनी बार बोला है ना पर वो ना आप लोग भी बोलोगे, मैं पूरी बात तो बता नहीं रही थी, आप लोग भी बोलोगे कि यार ऐसे ऐसे बाहर करें, गाड़ी को उधर रहने दे और मैं अपने आप सब मैनेज कर लूँगा। बट यार आपको पता आदमी लोग बोलते होते हैं, मुझे पता ना किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना है। कितने लोगों को मैंने प्रॉमिस करे थे कि आपको जाते टाइम मैं ये दे के जाऊँगी वो दे के जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लास्ट की जितने भी टाइम है तो मैं वो अच्छे से व्यतीत करना चाहती हूँ, हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। इसलिए मुझे ना स्ट्रेस होता है तो बंदा बहुत खाता है, इसलिए मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं मलाई खा रही हूँ। मैंने इतना तला भुना खाना शुरू कर दिया है, डॉक्टर ने मना करा तेल नहीं खाना, नहीं खाना। हल्फर जाती हूँ परांठा खाती हूँ, तला हुआ नहीं होता बट वो पनीर वाला परांठा होता है ना। अब मेरे मुंह में पानी आने लग पड़ा कि मैं खाऊं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका तू तो बड़ी वेट लॉस के उसमें, इस बार क्या हो गया तुझे, पता नहीं मुझे क्या हो गया इस बार। मैं सोचती हूँ कि कल से स्टार्ट कर, वॉक तो कर रही हूँ 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर वॉक तो हो जाता है, बट मैंने खाना स्टार्ट कर दिया यार अब से, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी स्ट्रेस, लाइक मेरे को स्ट्रेस जैसे था जब मैं घर पे थी, अब इनके साथ हूँ ना तो पता नहीं खाना 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 ऐसा होता है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने होली सेलिब्रेट क्यों नहीं करा, तो होली सेलिब्रेट हमने लास्ट ईयर भी नहीं करा था, इस बार भी नहीं करा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे मामा जी एक्सपायर हुए थे, और इस ईयर भारत के बुआ जी का बेटा वो मतलब इस दुनिया में नहीं रहे, अभी कुछ दिन की बात है, तो दिल नहीं करा ना मेरा सेलिब्रेट करने का ना इनका, फिर हमने सेलिब्रेट नहीं किया। इवन मैं होली के व्लॉग्स में बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे चंडीगढ़ में व्लॉग्स, कानपुर के इतने सारे व्लॉग, लास्ट 2 साल से नहीं करे, कि पिछली बार भी नहीं हुआ इस बार भी नहीं। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया। आज बड़ा दिल कर रहा है बहुत दिनों के बाद बैठ के कि आप लोगों के कॉमेंट्स जो रिसेंट मेरे व्लॉग्स है उनको मैं पढ़ूँ, थोड़ा कैमरा में डिस्कस कर। दूसरा क्वेश्चन कमेंट है कि प्रियंका ब्रश करते हुए व्लॉग में मत दिखाया करो, तो ठीक है मैं नहीं दिखाया करूँगी, मतलब उनके कमेंट्स को। तो 225 मतलब 250 लोग लगा लो चाहते हैं कि प्रियंका ब्रश करते हुए व्लॉग ना बनाए, तो ठीक है
मैं ब्रश करते हुए व्लॉग नहीं बनाऊंगी और मैं आपको ऐसे कैमरा में दिखा दिखा के अपना नेल पेंट दिखा रही हूँ। कल मैंने इस कलर का लगाया था और आज मैंने इस कलर का लगाया, आज मुझे इस कलर का लगाना चाहिए था। मेरी साथ में एंड साथ में मैं फ़ोन चला रही हूँ ऐसे बैठ के यहाँ पे। और पता है आपको टाइम कितना हो गया? 5:25। मैं बोल रही थी फटाफट चाय पीऊँगी चली जाऊँगी। चाय रखो फिर चाय के ठंडे होने का वेट करो, तब तक आप फ़ोन चलाते रहो, गप्पे मारते रहो या किसी से फ़ोन पे बात करनी है वो कर लो। तो मैं फ़ोन ही चला रही थी, बस मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया, तो मैं रील्स वगैरह देख रही थी अपनी एंड अपना व्लॉग वगैरह देख रही थी। फिर मैं लोगों की रील्स ऐसे देखते ना, आप शॉर्ट्स देखते हैं रील्स देखते हैं ऊपर ऊपर होता रहता है, तो बंदे का दिमाग ही बस देखते रहो देखते रहो देखते, एक बार देखने लग जाओ ना फिर आपका टाइम गया। एनीवेज हम बस चाय पी के निकलते हैं, इनको फ़ोन करूँगी, अगर ये आ गए तब तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर मैं गाड़ी लेके नहीं जा पाऊँगी, आएंगे चाय बनाएंगे फिर हम बैठेंगे फिर हम बातें करने लग जाते हैं, फिर पता नहीं टाइम कहाँ से कहाँ चला जाता। हम मतलब मैं और आप लोग, मेरे हम पे लोगों ने इतना ऑब्जेक्शन किया, तुमने हम बोला तुमने हम बोला, मैं हम ही बोलती हूँ। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उससे बात करते करते मैंने वॉक कम्प्लीट कर लिया 9 किलोमीटर। ऑलरेडी मैंने 5 किलोमीटर मॉर्निंग में कंप्लीट कर लिया था, तो 4 किलोमीटर अभी उससे बात करते करते हो गया और मैं 1.25 घंटे से बात कर रही हूँ। अपने आप फ़ोन कट गया, चलते चलते वॉक करो एंड जो खाया है वो पच भी जाएगा। और बालों का बताओ, किसी ने मुझे बताया है 2-3 चीज़ें वो मैंने अभी करनी है, एक दो तो मैंने कर ली, हेयर स्पा एंड हेयर ऑयल। आप लोग बताना यार कुछ अगर है एंड यार यहाँ पर वॉक करने का इतना मस्त मस्त चीज़ें हैं ना कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसा मेरा मतलब इस धरती से इतना प्यार है ना, ऐसे मन करता है कि लाइक ऐसे मन करता है ना कि इस धरती को प्रणाम करो, क्योंकि ये कानपुर की धरती से ना मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ ऐसे ना मतलब माथे को लगाने का मन करता है। होता है ना आपको मन करता है कि यार बहुत कुछ दिया है कानपुर ने मुझे सीखने को, आप सब लोग तो जितना थैंक यू करें ना तह दिल से। हम गोवा में लैंड करे थे ना, हम लोग बोल रहे थे गोवा की धरती को हमारा परिणाम। मेरी मम्मी बोलती है कि जैसे एरोप्लेन में डर लग रहा था ना, पता नहीं क्या करें, मम्मी कह रहे हम पहुंच गए तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। डोगी कल मैंने 3 बार अपना रास्ता चेंज किया डोगी के चक्कर में, देखो 3-4 डोगी है, मुझे डर लगता है भैया काट ना दे, कहते कुछ नहीं है पर मेरे को डर लगता है और फिर रास्ता चेंज करूँ क्या यार, डोगी को देख के मैं रास्ता चेंज कर लेती हूँ, हर कोई मेरे ऊपर हंसता है। गार्ड भैया को पता होता है कि लड़की डर रही है तो रास्ता चेंज करती, इतनी परेशान होगी। आप लोग ऐसा करते तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना नीचे, मैं तो ऐसे करती हूँ और हर कोई बस हंसता है, बचपन में भी हंसते। मेरे गाना कितना अच्छा है ना, कभी सुनता जरा जो दिल कह ना सका, सुनो हाय माय फेवरेट फ्लावर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये, यहाँ पे मस्त फोटो आएगी अगर कोई खींचेगा तो सुंदर सी। मैं ना अपने मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे दिन हैं मेरे और भारत की, मैं उनको बहुत मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ ताकि जब अपना व्लॉग देखूँ ना तो मेरे चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल। मैंने IIT का कोना कोना देखा है, हर एक कोने में मेरी एक याद है, इस तरह से प्यार है मुझे कानपुर से। प्यार तो मुझे शिमला से भी बहुत है, बट हर जगह से एक अटैचमेंट होती है ना, यहाँ से ना एक जिंदगी स्टार्ट हुई है अपन की। और आज एक और चीज़, मैं अप्रैल में बॉम्बे जाऊँगी तो मैं जुहू बीच पे जाना है, वहाँ पर बैठना है थोड़ी देर, जितना खाओ ना फिर दबा के वर्कआउट करो ताकि नींद रिलैक्स्ड आए कि भाई खाया था तो वर्कआउट भी किया था, अगर वर्कआउट नहीं करूँ ना डिप्रेस होकर बैठे रहूँ रूम में तो बड़ा रिग्रेट होता है बाद में। एक तो बॉम्बे जाना है, मैंने बताया था ना आपको मुझे कितना केजी कम करना है, तो कम तो क्या हो ना मेरा बढ़ ही जाता है। हाय मैं पहुंच गई घर, भारत का फ़ोन आया, ये वाला फूल ना मुझे आपको दिखाना था अच्छे से तो इसलिए मैं यहाँ पर रुकी, कितना सुंदर फूल है, गिर के ख़राब हो जाता है वो, देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत मस्त लगता है। ऐसे दुल्हन आए ना कोई शादी के जोड़े में एंड वो ऐसे यहाँ पर फ़ोटो खिंचाए तो कितनी मस्त फ़ोटो आएगी। वो है मेरा घर देखो सामने, अभी हम चलते हैं गाड़ी चला के, थोड़ी देर चलाएंगे गाड़ी, मस्त गाना चलाएंगे हम गाड़ी में, कहानी सुना या फिर आजकल वे है। यार गर्मियों में ना शूज़ पहन के इतनी गर्मी लग रही है, इवन मैंने सॉक्स नहीं पहने, बट कंफर्टेबल बहुत है, लेग में से आवाज़ नहीं आती तो बड़ी आवाज़ आती है। फूली फूल ब्लॉक हमारा है, मतलब ऐसे हम एंटर करते हैं तो पूरे फ्लावर ही फ्लावर, हाय हाय हाय
फोटो खिंचानी है यहाँ पे मेरे, पर मेरी फोटो खींचने के लिए के लिए मेरे पास कोई है ही नहीं। पहले हेल्पर होती थी तो वो खींच देती थी, अब कोई नहीं है। हाय 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 हाय, लाखों रुपये खर्च करके भी ऐसा नज़ारा कहाँ मिलेगा। मोर हमारी घड़ी के पास में आया है, मोर देखने के लिए तरस जाते थे हम एक टाइम पे। अब यहाँ पे मोर गाड़ी का हाल देखो हमारी, कितने गंदी लिखा हुआ है, इसको साफ करना है कल पक्का। ये देखो इसकी हालत देखो, देखो देखो देखो, ये मोर ना गाड़ी के यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे टक 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 करके नीचे उतरेगा, बैठेगा फिर उतरेगा, जितना मर्जी चढ़ा लो इसको। मोर मोर, जिस दिन से घर से आई हूँ वापस वो बॉटल चाय की ऐसी पड़ी है, जूठी की जूठी वहीं पे। इसको निकालो यार, मैंने इतना फ़ोन किया आज इस गाड़ी साफ करने वाले भैया को, बट उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। और ये वाला व्लॉग बनाते हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि मैं अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रही हूँ, और आने वाले जितने भी मेरे दिन यहाँ पे 7 दिन 8 दिन 9 दिन इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब हो सकता है 2-4 दिन भी, हो सकता है अंतरागनी से पहले भी चले जाऊँ। 2-4 प्लान्स हैं जो सोचे हैं, अगर वो हो गए तो फिर चले जाऊँगी, है ना। तो जितना भी टाइम है ना, मैं उसको खुल के जीना चाहती हूँ, खुल के खुल के। ये जो वायर है ना, ये वाली ऐसी वाली, इसके साथ ना पता नहीं दीपू ने दी है, एक सेकेंड, दीपू ने दी है मुझे, तो ना ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती सीधा। किसी को कोई नशा है, किसी को कोई नशा है, हमको चाय पीने का नशा है और गाड़ी चलाने का नशा है। ब्लूटूथ हमारा हो गया कनेक्ट, और टाइम कितना गलत बता रही है यार घड़ी। बैक गियर डालते हुए पीछे सब दिखाई देता है। भारत कह रहे हैं जब गाड़ी चलाओ तो उस शीशे में से देखा करो, फिर इस शीशे में से देखा करो। मैं तो है, मैं तो इधर देखती हूँ बस, ऐसे सीधा है ना। देखो पहले मुझे बड़ा डर लगता था, हाय यार इस कोने से टकरा जाएगी गाड़ी, ऐसे हो जाएगा वैसे, अब मुझे एकदम से मैं घुमा फिरा लेती हूँ गाड़ी ऐसे ऐसे ऐसे। तेल कितना है, काफ़ी सारा तेल तो है गाड़ी में। ओहो, आधी गाड़ी के फंक्शन में अभी समझ में आया है। अभी तक यार मुझे ये पानी नहीं डालना आता, कैसे पानी डालता है, पिचकारी बजती है ना ऊपर से, मुझे डालनी नहीं आती पिचकारी, ये कैसे बजती है, भारत कैसे बजते हैं यार, ये नहीं आता पानी वाला कहाँ से। आप लोगों को आता हो तो मुझे बताना। ओ वाइपर बज गए, तो सीखते हैं यार आज कुछ, है ना, ये पानी वाला कहाँ पे है, कहाँ से पानी निकलता है यार गाड़ी का। ये तो लाइट वाला ऑप्शन है सारे, तो लाइट वाले हैं, पानी भारत मारते होते हैं वाइपर। ये तो ऑटो है, लो हाई, ये क्या है, एनीवेज हम चलते हैं क्योंकि समझ तो मुझे आने वाला नहीं है। यार मेरे को आ गया, मैं ना इसी गाड़ी चला रही है, फटाफट मैंने गाड़ी रोकी, पानी चलाना आ गया यार यहाँ से कैसे। ये देखो वाह, भले मुझे बिल्कुल नहीं आता था यार, मुझे यार ये कैसे होगा, ये किया क्या ऑप्शन है, एरो तो यहाँ पे है। वाह ये नहीं आता था यार मुझे, पता नहीं मैंने किस पे क्या रखा ये, देखो अब निकलेगा, हाँ अभी भी निकल रहा है। वाह मीन्स इस पे कलर डाल के और ऐसी गाड़ी के साथ होली खेलती, व्हाट ए ब्यूटीफुल आइडिया। रुको 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 रुको, रुक गया, अब दिख रहा है शीशे के सामने, इतनी धूल पड़ी हुई है, इतनी धूल पड़ी है, पीछे देखो वो देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी दिखाई, पीछे पूरी मिट्टी मिट्टी है। भोले बाबा जी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आना। थोड़ी देर मैं बैठूंगी पूल के पास क्योंकि मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं अभी वो फुहारे होते हैं ना, वो चल रहे होंगे कि नहीं। वाह चल रहे हैं, यहाँ पे बैठ के ना काफ़ी शांति सुकून सा मिलता है। ऑर्डर तो मुझे कुछ नहीं करना, ना कॉफ़ी ना चाय ना ब्राउनी, ऑलरेडी मलाई खा के आई हूँ, बस थोड़ी देर बैठना है यहाँ पे 20-25 मिनट। है ना कितना सुकून यहाँ पे, सब लोग आते हैं ऐसे देखो शाम को, कोई चाय लेके बैठा हुआ है, कोई कॉफ़ी लेने के लिए। आज ना भारत पैदल आए हैं तो वो मेरे साथ गाड़ी में जाएंगे, और मुझे शर्म आ रही है यहाँ पर व्लॉगिंग करते हैं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि लड़की कैमरा से बैठे जाए। इस व्लॉग को मैं करती हूँ इधर ही एंड, कुछ पल अपने लिए भी बचा के रखने चाहिए, सारे पल कैमरा के लिए थोड़े होते हैं। हाँ हाँ हाँ,
अब से मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठा करूँगी। अच्छा लग रहा है यार, सिद्धार्थ को ये बहुत पसंद है, मैं उसको वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। आप मेरे ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना। हम चलते हैं, आप भी जाइए, टाटा बाय बाय। भारत भी आ गए, मैंने कॉल करके बुलाया उनका, देखा ओ आ गए, ओ आ गए। चलो गाइस अब फाइनल टाटा बाय बाय। और हाय काली टी शर्ट पहनी इन्होंने, मुझे तो ध्यान ही ना इस काली टी शर्ट पहनी भारत ने। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ ओ आ, ओ सिद्धू बोलता है ऐसे, ओ है।